बलिया पुलिस ने एटीएम को हैक करने और उसे चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में थाना कोतवाली और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कोतवाली थाना अंतर्गत यूनियन बैंक के एटीएम को हैक करके चोरी करने का प्रयास करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है और इसके दो साथी सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। कब्जे से एक मास्क, एक हथौड़ी, एक बैग, चार मोबाइल समेत दूसरे सामान बरामद भी किए गए हैं। गौरतलब है कि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आपको बता दें, बीते 30 जून 2023 की रात में एटीएम से चोरी करने वाले गिरोह द्वारा यूनियन बैंक के एटीएम को पहले हैक करके पैसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन जब एटीएम हैक नहीं हुआ तो एटीएम को हथौड़ी और दूसरे सामानों के जरिए तोड़कर पैसे निकालने का प्रयास किया गया, जिसकी वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। थाना कोतवाली वादी मुकदमा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा क्षतिग्रस्त करने और एटीएम से चोरी करने की लिखित सूचना दी गई थी, जिसके संबंध में थाना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए एसएचओ कोतवाली और एसओजी टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा टीमों का गठन कर जल्द से जल्द घटना का अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश भी जारी किए गए थे। घटना के शीघ्र अनावरण के लिए थाना कोतवाली और एसओजी की टीम के द्वारा सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर तीन साथी चोर एटीएम के पास आते हैं, जिसमें से एक नकाब पहने हुए था और वही अपने मोबाइल के जरिए किसी सॉफ्टवेयर से एटीएम को हैक करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। सफल नहीं होने पर एटीएम को हथौड़ी और दूसरे सामानों से तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश की जा रही थी और गिरोह के बाकी सदस्य एटीएम से बाहर थोड़ी दूर पर खड़े निगरानी कर रहे थे कि कोई आने ना पाए। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे चोरों की तलाश पुलिस की टीम के द्वारा तत्परतापूर्वक करते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और साथ ही साथ दूसरे तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी तलाश किए जा रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं। बहरहाल गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। थाना कोतवाली में दिनांक 30/6/23 को यूनियन बैंक के एक एटीएम में एक व्यक्ति दिख रहा है, जो कि मुखौटा लगाए हुए है, चश्मा लगाया है, घड़ी पहना हुआ है और साथ में हथौड़ी और बैग लिया हुआ है। एटीएम को तोड़ने का प्रयास कर रहा था, सीसीटीवी में ये दिखा था। उसके आधार पर यूनियन बैंक की तरफ से जो तहरीर प्राप्त हुई थी, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया महोदय द्वारा क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। उस क्रम में आज उस टीम को एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, घटना का अनावरण कर लिया गया है। घटना के संबंध में कुल तीन लोगों को पकड़ करके उनसे पूछताछ की गई है। तो इसमें प्रारंभिक पूछताछ में ये पता चला है कि इसमें एक जो सीसीटीवी में दिख रहा है एटीएम को तोड़ते हुए, वह यूट्यूब के द्वारा हैकिंग सीख करके अपने आप को वीडियो गेम का की हैकिंग सीख करके अपने आप को हैकर बताता है अपने दोस्तों में, और उसने अपने दो साथियों को बताया कि मैं एटीएम को भी हैक कर सकता हूँ, और फिर उनको ले करके गया कि एटीएम हैक करके मैं पैसा निकाल के आऊँगा। तो उसके दो साथी मोटरसाइकिल से उसको साथ में ले गए, वो दोनों साथी बाहर रहे, सीसीटीवी में वो दिख रहे हैं बाहर, और वो लड़का अंदर जाता है और एटीएम को पहले मोबाइल में कुछ हैक करने का प्रयास करता है, जिसमें वो पूरी तरह असफल होता है। उसके बाद वो अपने पास में जो हथौड़ी थी उससे एटीएम को तोड़ने का प्रयास करता है, और उसमें भी जब वो असफल हो जाता है तो फिर ये सभी लोग बाइक से वापस आ जाते हैं। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।